तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब सालार डे 19 पर एंट्री मार चुकी है, यानी द डायनासोर डार्लिंग पर बास अपनी मूवी के साथ 19वें दिन में एंट्री मार चुके हैं और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सालार के ये हाल हो जाएंगे। भाई वर्किंग डेज में जो औकात दिखा रहा है इनको वर्किंग डेज, ना कि सिर्फ सालार को, भाई डंकी के भी बुरे हाल चल रहे हैं। दोनों मूवीज की टाइमिंग मुझे लग रहा है बहुत ही गलत हुई। कोई भी एक बंदा अगर रिट्रीट कर लेता या फिर कदम वापस ले लाता कि भाई हम क्लैश नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा कंटेंट सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है। भाई मैं सलार को ही कह रहा हूँ, अगर सलार नहीं क्लैश कराते तो ये 1000 करोड़ इजीली ठोंक के मारती। कोई ना कोई एक ऐसी डेट चुनते और उस टाइम पर ये मूवी को लेके आती तो बहुत ही जबरदस्त आज प्रभास का कमबैक देखने को मिलता। प्रशांत नील का वो जो लेगेसी वो फॉलो करते आ रहे थे KGF 2 के बाद से, वो नज़र आती भाई साहब। क्योंकि सालार में जिस हिसाब के लिए, मतलब जिस हिसाब किताब के लिए सालार को जाना जा रहा था वायलेंस एंड एक्शन के मामले में, भाई साहब पूरी मूवी में वही है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जो एम्पायर सेट किया गया है वायलेंस के दम पर किया गया है। अंदर जो कहानी चल रही है, अंदर जो उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था चल रही है, भाई साहब वायलेंस के दम पर चल रही है फुल। मतलब आप वॉयलेंट हैं तो आपके पास सत्ता है, आप वॉयलेंट हैं तो आपका एग्जिस्टेंस है, वॉयलेंट नहीं है तो आप खानसार के बाहर हैं। यही चीज़ उसमें हमें देखने को मिली। लेकिन भाई सालार के लिए मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हाइप थी कि भाई साहब सिर्फ 1000 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ या फिर 2000 करोड़ तो ये मूवी ईजिली टच करके जाएगी और यस करके जाती, क्योंकि इसके पास वो औकात थी, इसके कंटेंट पे वो दम था कि जरूर करके जाती। लेकिन क्लैशेस सिर्फ एक नहीं भाई, ओवरसीज में भी क्लैशेस देखने को मिल गया। अगर ओवरसीज से भी अच्छी कमाई आ जाती तो ये मूवी ईजिली 1000 करोड़ टच कर जाती। लेकिन भाई अभी वर्किंग डेज में बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। जिस हिसाब से ग्रोथ डाउन हुई है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ डाउन हुई है, जबकि स्टार्टिंग बड़ी सॉलिड थी। ओपनिंग में ही 178 करोड़ के आसपास इसने कलेक्शन किया था और जिसे देख के लग रहा था कि शायद पहले हफ्ते में ही ये 1000 करोड़ टच कर जाएगी। लेकिन भाई अभी 19वां दिन आ चुका है, 1000 करोड़ दूर दूर तक इसके खाते में आते नजर नहीं आ रहा है। क्या करेंगे भाई साहब, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अभी पूरा सालार के कलेक्शन को स्कैन करने वाले हैं। कल 18th डे था, कल कैसा क्या रहा है भाई। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल 16% की रही है, जो नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट का लैंड ऑफ द डे तक आते नजर आ रहे 2 करोड़ 30 लाख। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 3 करोड़ 50 लाख, ओवरसीज से 1 करोड़ 50 लाख। पूरी दुनिया से ये मूवी का लैंड ऑफ द डे तक 5 से 5.5 करोड़ के आसपास ही अपने खाते में रखते नजर आ रही है भाई साहब। प्रभास, भाई साहब सालार जो नाम, इतना बड़ा नाम था जो पूरे साल गूंजा है, जब जवान पठान 1000 करोड़ टच कर रहे थे तब मीम्स बनाए जा रहे थे कि एक बार प्रभास को आने दो, एक बार डायनासोर को आने दो, एक बार सालार को आने दो, भाई हम बताएंगे कि बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड्स कैसे तोड़े नहीं क्रिएट करे जाते। लेकिन भाई नहीं हो पा रहा है, उतना तो नहीं हो पा रहा है। पहले 18 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन का लैंड ऑफ द डे तक हो चुका है 395 करोड़ 50 लाख का। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 483 करोड़ के आसपास ये मूवी कवर अप करते नजर आ रही है। लगभग में लगभग पूरी दुनिया से लगभग में लगभग 708 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली अपने खाते में रखते नजर आ रही है भाई साहब। तो क्या ग्रोथ है, क्या 1000 करोड़ टच कर जाएगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। आज डे 19 है, आज की क्या ऑक्यूपेंसी है भाई साहब? आज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 15 से 14% के आसपास देखने को मिल रही है। तो नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट ये मूवी कितना कवर करते नजर आ रही है भाई साहब? 2 करोड़ के आसपास सिर्फ आज अर्ली एस्टिमेट आते नजर आ रहा है नेट इंडिया से। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 2 करोड़ 70 लाख, पूरी दुनिया से 4 करोड़, और पहले 19 दिन में आज, यानी आज एंड ऑफ द डे तक अर्ली एस्टिमेट है वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी का अप्रॉक्सीमेटली 712 करोड़ के आसपास। तो क्या ये मूवी 800 करोड़ भी कंप्लीट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। मैं मानता हूँ प्रशांत नील को यहाँ पर स्टैंड बैक कर लेना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए था क्लैश, क्योंकि क्लैश की वजह से बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। क्योंकि प्रभास के पास यही एक अच्छा खासा मौका था कि यहाँ से कम बैक कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई सालार अगर वो कमाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि सालार फिर भी सुपर डुपर हिट अच्छी खासी कमाई लेके आ चुकी है। एवरेजली जो कमाई करनी थी वो कमाई अपने खाते में लेके आ चुकी है, जो उसने नाम कमाना था वो नाम इसने कमा लिया है। लेकिन भाई इससे एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज़्यादा, वो वाला हाइप ये सेट मैच करते नजर नहीं आई है। पर ऐसा भी नहीं है कि सलार के बाद कोई कंटेंट नहीं है भाई साहब, प्रभास के पास ऐसे फाड़ू फाड़ू कॉन्टेंट हैं इसके बाद कि सलार कुछ नहीं बेचता है इनके सामने, जो मैं आगे कभी वीडियो में बनाऊँगा, आज या कल मैं वो वीडियो बना दूंगा जिसमें 4 से 5 मूवी ऐसी हैं जो डेफिनेटली अगर सिंगल रिलीज होगी तो भाई साहब 1000 करोड़ कहीं नहीं गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और क्या ये सलार 1000 करोड़ टच कर पाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।